आज हम लोग क्षेत्रफल और परिमिति से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो एक वर्ग पहले ड्रॉ करिए। तो वर्ग कुछ इस तरीके का होता है, इसका चारों साइड इक्वल होता है और इसका क्षेत्रफल दे दिया गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया गया हम लोगों को 100 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, हम लोग को फाइंड क्या करना है, वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप हम लोग को पता है 4a होता है, ठीक है। और परिमाप मतलब समझिए, परिमाप मतलब होता है इसका चारों साइड मिला के कितना होता है। तो इसका चारों साइड 1 2 3 4, इसको चारों साइड को ऐड करेंगे तो कितना आएगा वो पूछा गया है। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला हो जाता है 4a, मतलब हम लोग को a का वैल्यू चाहिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे 4 इंटू a का वैल्यू अगर दे देंगे तो परिमाप हम लोग का निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, और ये दे दिया गया है 100। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 100, और रूट हटे स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। अब हो जाएगा a इज इक्वल टू 100 से अगर निकालेंगे तो 10 निकल जाएगा, और सब सेंटीमीटर में है। जब क्वेश्चन में सेंटीमीटर में ये दिया गया है तो ये सेंटीमीटर में होगा। अब इसका वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट करिए, 10 आया, 10 यहाँ पे पुट कर देना है, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये परिमाप बोला गया है तो परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में आएगा। परिमाप मतलब ये चारों साइड मिला के कितना हुआ, तो चारों साइड मिला के हम लोगों का 40 सेंटीमीटर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक 60 मीटर इंटू 30 मीटर आयताकार खेत, ठीक है। तो एक आयताकार खेत पहले ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो आयताकार खेत कुछ इस तरीके का होगा। और इसमें दिया गया है 60 मीटर इंटू 30 मीटर, इसका मतलब जो बड़ा वाला वैल्यू दिया गया है वो लंबाई का है, 60 जो हो जाएगा 60 मीटर, ये लंबाई का दिया गया है, और चौड़ाई 30 मीटर। 60 मीटर इंटू 30 मीटर का मतलब ही है ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लिख दिए हम लोग। अब बोला गया है आयताकार खेत के एक कोने में, ठीक है, तो चार को कोना है इसका, 1 2 3 4, तो बोला गया खेत के एक कोने में, तो चारों में से किसी एक कोने में 16 मीटर लंबी रस्सी में एक गधा बंधा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये कोना में बांधते हैं, ठीक है, किसी कोना को हम लोग ले सकते हैं, किसी एक कोना में बोला गया है। तो एक कोना में 16 मीटर लंबी रस्सी से एक गधा बंधा हुआ है, तो 16 मीटर लंबा रस्सी है, ठीक। तो लंबा रस्सी को हम लोग लिख लेते हैं 16 मीटर है, ठीक, और इधर भी जाएगा अगर गधा तो रस्सी इधर भी चल सकता है, तो ये भी 16 मीटर होगा। और रस्सी कैसे चलेगा, मतलब गधा इधर कैसे चलेगा, कुछ इस तरीके से चलेगा, एक वृत्ताकार पथ में चलेगा, वृत्त बन जाएगा हम लोगों का, सर्कल बनेगा, ठीक है। तो बोल रहा है खेत का वह क्षेत्रफल जिसकी घास वह चर सकता है। तो देखिए ये आयताकार खेत है और घास यहाँ पे यहाँ तक चर सकता है, यहाँ पे बगर बंधा हुआ है और 16 मीटर लंबा है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ से यहीं तक ये जा सकता है और ये भी 16 मीटर है। और हम लोग को पता है एकदम सेंटर से अगर ये दागी है, ठीक है, तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, मतलब जो 16 मीटर दिया गया है वो हम लोग का क्या है, आर का वैल्यू दिया गया है 16 मीटर, ठीक है। तो अब बोल रहा है खेत का वह क्षेत्रफल जिसकी घास वह चर सकता है लगभग वर्ग मीटर में होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालने बोला गया है, जितना चर सकता है, चर तो इतना सकता है। तो देखिए हम लोग पूरा वृत्त का निकाल सकते हैं, तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 12/7 × r², तो r हम बताएं 16 होगा। अब 16 × 16 दो बार इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये आर स्क्वायर है, तो दो बार लिखना पड़ेगा। अब ये निकालेंगे हम लोग तो टोटल का निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया खेत का वह क्षेत्रफल जिसमें वह घास चर सकता है, तो चर तो इतना में सकता है। अब देखिए किसी वृत्त को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो एकदम चार बराबर हिस्सा में टूटेगा, ठीक है, तो उसका एक हिस्सा पूछा गया है, मतलब हम लोग ये वाला जो वैल्यू निकालेंगे ये चार हिस्सा है, टोटल चार हिस्सा है और हम लोग को एक हिस्सा पूछा गया है, तो बस क्या करना पड़ेगा, चार से डिवाइड करना पड़ेगा। चार से इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि चार हिस्सा में से एक हिस्सा में वो चर रहा है। अगर दो हिस्सा में चरता, ठीक है, अगर बोलता कि खेत का बाहर में भी वो चर रहा है, अगर उधर भी पूछता, लेकिन ऐसा कोई पूछेगा नहीं, खेत के अंदर ही पूछेगा, ठीक है। तो ये खेत तो ये वाला है वर्गाकार खेत, आयताकार खेत, और इसके अंदर में इतना ही भाग चर रहा है, तो चार भाग में से एक भाग चर रहा है, तो इसलिए चार से डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए 4 का टेबल में 4 बार में हम लोग का बच गया 22/7 × 16 × 4। अब ये सबको टोटल को हम लोग कैलकुलेशन अगर करेंगे तो आएगा हम लोग का 201.14 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल है इसीलिए मीटर स्क्वायर में आया, ठीक है, और ये सब का वैल्यू मीटर में था इसीलिए मीटर स्क्वायर में आया, तो हम लोग का आंसर 201.14 हो जाएगा।
या फिर आंसर में हम लोग डायरेक्टली अगर ऐसे दिया रहे 201 मीटर स्क्वायर, तो उसको ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो पहले वर्ग ड्रॉ करिए, एक वर्ग बना लिए। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, तो ये प्रत्येक एक भुजा है, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम 4 मानते हैं और बोल रहा है इसको आधा कर दें, तो एक दूसरा वर्ग बनेगा। आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 है तो 2 होगा उसका आधा। बोला गया है एक वर्ग की भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, तो भुजा अगर 4 मानते हैं तो उसका आधा 2 होगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा देखते हैं। पहले का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो भुजा 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 16, और इसका वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा वो पूछा है। तो ऑप्शन अब देखते हैं, बोल रहा है दुगुना, तो दुगुना क्या इससे दुगुना हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन 1 तो हम लोग का होगा नहीं। अब ऑप्शन बी देखते हैं, आधा, तो क्या ये 4 जो है इसका आधा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, 1/4, तो ये जो वैल्यू है इसका 1/4 है। देखिए 16 का 1/4 करके देखिए, 1/4 का मतलब है 1/4, ठीक है। 1/4 का मतलब 1 और चौथाई मतलब 4, तो 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 का टेबल में 4 बार में, मतलब इसका 1/4 वैल्यू है ये, तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आरआरबी में पूछा गया है, और इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी ग्रुप डी एनटीपीसी और चाहे दूसरा कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी आयताकार मैदान, तो पहले आयताकार मैदान ड्रॉ करिए। क्वेश्चन में जो बोला जाएगा वो फिगर पहले हम लोग बना लेंगे, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 2:1, मतलब लंबाई 2 है और ये 1 है, तो x लगा दीजिए दोनों में, मतलब एक 2x है और एक 1x है। और बोल रहा है मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा, आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है, या फिर लिख लीजिए पहले आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है एल इंटू बी, और ये दे दिया गया है हम लोग का 72, तो हम लोग लिख सकते हैं आयत के क्षेत्रफल के जगह पे 72 और एल इंटू बी, तो एल का वैल्यू हम लोग का 2x और बी का वैल्यू 1x। अब इसको बस सॉल्व करिए, तो 72 इज इक्वल टू, देखिए 2 × 1 = 2 और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 72 और ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस बार में आएगा, तो डिवाइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 का टेबल में ये 36 बार में, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। अब एक्स इज इक्वल टू, स्क्वायर को हटाएंगे तो √36 हो जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू √36 का मतलब इसको रूट से अगर निकालेंगे तो 6 आएगा। अब जो सब वैल्यू था वो देख लेते हैं, किसमें वैल्यू दिया गया था, तो मीटर में दिया गया था, ठीक है, वर्ग मीटर, मतलब ये जो हम लोग का वैल्यू आया एक्स, ये मीटर में आया। अब क्या पूछा गया वो देखते हैं। तो मैदान की चौड़ाई है, तो मैदान की चौड़ाई हम लोग देख लेते हैं, तो चौड़ाई तो 1x ही था, मतलब x, 1x मतलब क्या x, तो 1x का वैल्यू हम लोग को 6 मीटर आया, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मैदान की चौड़ाई नहीं लंबाई पूछा गया है, चौड़ाई का वैल्यू हम लोग को निकला, और लंबाई पूछा गया तो लंबाई का 2x था, तो बस 2 × x का वैल्यू पुट कर देना है, तो 2 × x का वैल्यू 6, तो 2 × 6 = 12 मीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी आयत की चौड़ाई, तो आयत बोला गया तो पहले आयत ड्रॉ ही कर लीजिए। अब बोल रहा है आयत की चौड़ाई ए, तो चौड़ाई ए है और इसको ए बोला गया है, और लंबाई बी है। बोल रहा है चौड़ाई यदि 20% कम कर दिया जाए, अब और एक फिगर बन जाएगा, और चौड़ाई क्या हो रहा है 20% कम, तो देखिए ए है, इसका 20% कम करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसमें कुछ वैल्यू मान लेंगे। तो ए को मान लेते हैं हम लोग 10 और बी को मान लेते हैं हम लोग 20, मतलब लंबाई ये है ये 20 हो गया और ये चौड़ाई है ये 10 हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, यदि चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, अब चौड़ाई 10 है, इसका 20% कम करेंगे, तो इसका 20% कम करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए कैसे हम लोग 20% निकालेंगे, उसके बाद घटाएंगे, तो देखिए किसी का हम लोग 10% 20% ये सब कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये वैल्यू है, इसका 10% क्या हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट दे देंगे, ठीक है, तो एक के बाद अगर पॉइंट दे देंगे तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, ये हम लोग का 10% हो जाएगा। अगर 40 दे दिया जाए, इसका 10% पूछे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद हमको पॉइंट देना है, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है, 4 हो जाएगा। 30 दिया जाए और इसका 10% पूछा जाए तो 3 हो जाएगा, ठीक है, एक के बाद पॉइंट देंगे 3 हो जाएगा। अब यही 10% निकाल लिए तो 20% क्या होगा, जस्ट उसका दुगना, जैसे इसी का बोले हम
30 है, इसका 20% निकालेंगे तो एक के बाद पॉइंट देंगे तो ये हो जाएगा 10%। 10% का वैल्यू हम लोग का 3, तो 20% का वैल्यू हम लोग का 6, उसका जस्ट डबल। 30% का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो 9 हो जाएगा, इसका 3 डबल। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, यदि चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, ये चौड़ाई है इसको 20% कम करेंगे तो इसका 20% निकालेंगे तो 10% हो जाएगा 1 और 20% हो जाएगा 2। अब बोल रहा है कम कर दिया जाए, तो कम मतलब क्या, 10 में से 2 को घटाएंगे, 10 है और इसका 20% निकाले तो 2 आया, अब इसको कम कर देंगे तो 8 होगा। वही बोला गया है चौड़ाई को 20% कम, तो चौड़ाई को 20% मतलब 2, ठीक है, और ये कम कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अब बोल रहा है लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो ये लंबाई है, इसको बोल रहा है 10% बढ़ा दिया जाए, तो इसका 10% क्या होगा, एक के बाद पॉइंट मतलब 2। अब 2 क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो 2 अगर इसमें बढ़ाएंगे तो 20 है, और 2 अगर बढ़ाएंगे तो 2 प्लस करना पड़ेगा, तो 20 और 2 22 हो जाएगा ये, ठीक है। तो बोल रहा है तब वर्तमान क्षेत्रफल होगा, तो अब बताइए वर्तमान कौन है दोनों में से, एक पहले वाला था ये, अब हम लोग तो इससे ये वाला बनाए हैं, तो अभी वर्तमान ये वाला हो जाएगा, वर्तमान मतलब अभी, प्रेजेंट का बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में ये वाला फिगर बनेगा, ठीक है, तो इस फिगर का बात किया जा रहा है। तो बोल रहा है वर्तमान क्षेत्रफल होगा, मतलब वर्तमान में तो ये फिगर बना, तो इस फिगर का क्षेत्रफल पूछा गया है क्या होगा। क्षेत्रफल इससे हम लोग निकाल सकते हैं एल इंटू बी, ठीक है, तो एल का वैल्यू आया 22 इंटू बी का वैल्यू आया 8, तो बस इसको ऐड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 22 इंटू 8, 8 टू जो 16 का 6 कैरी 1, 8 टू जो 16 और 1 17, इतना हम लोग का आंसर होगा। अब आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इतना दिया हुआ नहीं है, अब बोलिए कि ये गलत है, तो देखिए इतना आया तो हम लोग ए और बी का कुछ वैल्यू मान लिए थे, तो ए और बी का वैल्यू हम लोग अगर कुछ माने थे तो आंसर सब में भी हम लोग को मानना पड़ेगा। अब ऑप्शन ए हम लोग लेते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया गया 0.88 ए बी, अब देखिए ए बी यहाँ पे देखिए ए और बी दिया गया है, अब बस पुट करिए 0.88 इंटू ए, ए का वैल्यू देखिए 10 है, इंटू बी, बी का वैल्यू 20 है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 28 जो 16 का 6 कैरी 1, 28 जो 16 और 1 17, और 2 को 0 है तो 2 को 0। अब देखिए यहाँ पे 2 को के बाद पॉइंट है, 2 को के बाद पॉइंट कर देना है, और इस पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो 176 आ रहा है, और हम लोग का आंसर 176 आया था, इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसमें दिया गया है एक आयताकार उद्यान, तो फिर एक आयताकार उद्यान बोला गया है, तो एक आयत ड्रॉ कर लेंगे, एक आयताकार उद्यान के चारों ओर, ठीक है, ये चारों ओर है, चारों ओर 5 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत इतना है, मतलब 5 रुपया प्रति मीटर मतलब है 5 रुपया का 1 मीटर, ठीक है, तार, ठीक है, तार का रेट दिया गया है 5 रुपया प्रति मीटर की दर से, मतलब 5 रुपया 1 मीटर तार का दाम है, 5 रुपया प्रति मीटर का मतलब है 5 रुपया 1 मीटर तार का दाम है, ठीक है, 5 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत इतना रुपया है, तो इतना रुपया लग गया तार लगाने के लिए, तो तार कहाँ पे लगाएगा, इसके चारों ओर बोला गया है, देखिए एक आयताकार उद्यान के चारों ओर 5 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत इतना है, मतलब इसमें तार लगाएंगे, तो तार इसमें अगर लगाएंगे तो ये क्या है, परिमाप है, ठीक है, ये चारों साइड को अगर मिलाते हैं तो परिमाप होता है, मतलब परिमाप हम लोग को दिया गया है, ठीक है, इतना रुपया लग रहा है 5 रुपया मीटर के हिसाब से, तो ये हम लोग निकाल लेंगे 5 रुपया का 1 मीटर हो रहा है, तो दिया है 2506.32 रुपया, ठीक है, तो इतना रुपया में कितना मीटर होगा वो निकाल लेंगे हम लोग, तो 1/5 इंटू 2506.32, अब इससे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड हम लोग करेंगे तो 501.264 मीटर आएगा, तो इतना मीटर जो आया ये क्या आया, ये तार जो मिला, इतना रुपया में इतना तार खरीदा, और इस तार से क्या किया, ये चारों ओर लगाया, मतलब इस चारों ओर में अगर लगा देगा इस तार को तो इसका परिमाप ये होगा, मतलब ये जो आया इसका परिमाप का वैल्यू है, ये चारों ओर तार लगा रहा है इसका मतलब ये परिमाप है, और परिमाप दिया गया है, परिमाप ये है, परिमाप के जगह पे इतना लिखेंगे हम लोग। अब परिमाप का फॉर्मूला हम लोग को पता है 2L + B, और इसका वैल्यू है 501.264, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब बोल रहा है उद्यान की लंबाई, ये उद्यान है, इसका लंबाई, ठीक है, मतलब ये वाला लंबाई इसका चौड़ाई का 1.5 गुना है, तो चौड़ाई को अगर x मानते हैं तो ये क्या है, लंबाई इसका 1.5 गुना है, मतलब 1.5 से इसको गुना करके लिख दीजिए, तो 1.5 से मतलब 1.5 मतलब होता है 1.5, 1.5 से इसको गुना करके लिख दीजिए, तो गुना अगर करेंगे x से तो हो जाएगा हम लोग का 1.5x, ये होगी हम लोग का लंबाई, बोला गया था लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना है, तो इसका 1.5 गुना कर दिए। अब बोल रहा है तब उद्यान की चौड़ाई लगभग होगी, तो चौड़ाई हम लोग को पूछा गया है,
तो चौड़ाई ये है x, मतलब x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो बस अब इसमें पुट करते हैं। देखिए 2, l का वैल्यू देखिए यहाँ पे आया 1.5, तो 1.5 लिखेंगे यहाँ पे। फिर प्लस है तो प्लस, b है तो b है हम लोग का x निकला, इज इक्वल टू 501.264। इसको बस सॉल्व करेंगे, 1.5x होगा यहाँ पे, 1.5x है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1.5x और x हो जाएगा 2.5x, इज इक्वल टू 501.264। अब इससे इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग 5x इज इक्वल टू 501.264। इसको बस उतार रहे हैं। अब x इज इक्वल टू 501.264 और ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस पार में आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। और हम लोग को क्या पूछा गया था देख लेते हैं, हम लोग को पूछा गया था चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई हम लोग एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू ही हम लोग का निकालना है। तो एक्स का वैल्यू इससे बस डिवाइड करेंगे तो एक्स का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा। तो जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो हम लोग का आएगा 100.2528 मीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर में बहुत बार क्या करता है, पूरा वैल्यू दे दिया जाता है, तो इसके जगह पे हम लोग ऐसे ना लिख के 100 मीटर भी रहेगा तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला वैल्यू बहुत जगह पे लिया नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि वर्ग की भुजा इतना सेंटीमीटर है, तो पहले एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग जो होता है इसका चारों साइड इक्वल होता है, और दिया गया वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, मतलब ये दिया गया है, ये इसको बोलते हैं भुजा, ये दिया गया 3√2 सेंटीमीटर, तो ये वाला भुजा भी क्या होगा 3√2 सेंटीमीटर। ये चारों भुजा जो होगा 3√2 ही होगा, ठीक है। अब बोल रहा है तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी, विकर्ण पूछा गया, विकर्ण मतलब ये वाला वैल्यू, ठीक है, या तो इधर लीजिए या फिर इधर लीजिए, तो हम इधर वाला लेके चलते हैं। तो विकर्ण पूछा गया, तो विकर्ण का फॉर्मूला हम लोग को पता है, √2a होता है, तो √2 और a का मतलब भुजा, √2 इंटू ए का जगह पे हम लोग 3√2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 × √2 4 हो जाएगा, फिर इंटू 3, तो 4 × 3 मतलब 12 हो जाएगा हम लोग का, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए सेंटीमीटर में दिया गया था, तो 12 हम लोग का सेंटीमीटर आंसर आएगा, ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे √2 × √2 2 हो जाएगा ना, 4 नहीं होगा 2 होगा। देखिए इसको फिर से देखते हैं, √2 × √2 2 होगा इंटू 3, तो 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, 12 नहीं होगा 6 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण के वर्ग, ठीक है। तो एक वर्ग इस टाइप का बनेगा, इसका चारों साइड इक्वल होगा, कुछ इस तरीके का बनेगा वर्ग, ठीक। अब बोल रहा है वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हम लोग का, लिख लेते हैं पहले, जो बोल रहा है उसको लिखिए, वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण, इसका विकर्ण बोल रहा है, मतलब वर्ग का विकर्ण जो बोला गया है वही लिखना है, वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण। उसके विकर्ण का मतलब क्या है, वर्ग का विकर्ण के वर्ग, वर्ग के विकर्ण का वर्ग, मतलब उसके विकर्ण का वर्ग बोला गया है, तो उसका विकर्ण ये हो गया, उसका वर्ग मतलब उसका पावर में 2, किसी का वर्ग करते हैं तो पावर में 2 देते हैं, का अनुपात होगा, इसका अनुपात पूछा गया है। और एक बार अच्छा से पढ़िए, एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के वर्ग, तो उसका विकर्ण उसका वर्ग बोला गया है, विकर्ण का वर्ग, तो विकर्ण कर दिए, उसका वर्ग का अनुपात है, तो अनुपात इसका पूछा गया है, मतलब रेशियो। तो हम लोग को पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इच टू, देखिए वर्ग का विकर्ण पूछा गया, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a और इसका होल में पावर 2, यही दिया गया है यहाँ पे। इसको सॉल्व करिए तो ए स्क्वायर इच टू, देखिए √2 का पावर करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, अब फिर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, अब देखिए ए स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 1:2, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जिसको ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने एक इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने इस बुक का, स्पीडी मैथ बुक का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, और प्लेलिस्ट का नाम है रेलवे स्पीडी मैथ बुक। उसमें जाके आप लोग बहुत सारा चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।